हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिशन दत्त और मैं टिप्स ओनली विन से आ यार ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि भई हम नए हैं रेस में और हमें कार्ड पढ़ना नहीं आता या बुक समझ नहीं आती। पहले तो मैं उन्हें यार ये सलाह देना चाहूँगा कि जो रेस में घुस रहे हैं या अभी नहीं घुस रहे हैं और जिन्हें बुक नहीं पढ़नी आती तो ना ही घुसे तो ज़्यादा बढ़िया है। और फिर भी अगर उन्होंने मन बना ही लिया है कि उन्हें रेसिंग करनी करनी है और तो उनकी हेल्प के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, छोटी सी नहीं बड़ी भी हो सकती है। तो हम यार कार्ड पढ़ना थोड़ा सा सीख लेते हैं। बहुत लोगों को पढ़ना आता है, जिनको पढ़ना आता है ये उनके लिए नहीं है क्योंकि वो अपने अपने तरीके से हर बंदा एक्सपर्ट होता है। बट मैं जो जो चीज़ें पढ़ता हूँ मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यार कि क्या पढ़ के आप अपना घोड़ा निकाल सकते हैं। और जो नए लोग हैं उनको एक और सलाह देना चाहता हूँ यार, बैठना स्टार्टिंग में, अभी अगर आप सीख रहे हैं तो कम से कम बैठ करा करें, छोटी बैठ करें। और जब आ जाएगा आपको थोड़ा समझ आ जाएगा रेसिंग, तो तब उस टाइम पर आप बेसिक से अपनी बैठ बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कम से कम बैठ कम रखें क्योंकि सिर्फ जॉकी पकड़ के अगर खेलते रहोगे कि भाई ट्रेवर ही ट्रेवर खेलना है या सूरज ही सूरज खेलना है या संदेश ही संदेश खेलना है, ये मारेगा ये आएगा, तो वो थोड़ा सा पंटर उसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा माइनस हो जाता है या पैसा ज़्यादा चला जाता है उसका। खैर आगे बढ़ते हैं। पहली रेस है 2000 मीटर की। ये मैं ना यार कार्ड भी ना आपके लिए मैसूर का जो 22 जून को मैसूर की रेस होनी है वो वाला डिस्कस कर रहा हूँ। नए जो नए लोग हैं उनके लिए कार्ड में डिस्कस कर रहा हूँ 22 जून का। और जो अपने पुराने भाई हैं वो भी थोड़ा देख रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि 22 जून की रेस है ये मैसूर की। तो दोस्त 2000 मीटर की रेस है, क्लास 4 की रेस है। इसमें हम घोड़े देख लेते हैं। 2 नंबर है ऑरिल जैसे, तो ये घोड़ा आप अगर देखेंगे ऊपर भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैसूर के रन है इसके, 1 2 3 तीन रन दिख रहे हैं मैसूर के रन है। और हर बारी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ है घोड़े के साथ, तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं पे यार हमें ना बुक में ही पढ़ने होते हैं कि घोड़ा क्यों नहीं आया या क्या इंसिडेंट हुआ। जैसे यहाँ पे 1400 मीटर में लीड सिंगर के साथ दिखा रहा है, ये दिख रहा होगा लीड सिंगर के साथ दिखा रहा है, तीसरा लगा है घोड़ा, ठीक है। तो ये घोड़ा तीसरा लगा था बट इंसिडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या पता घोड़ा जीत रहा था उस दिन, स्लो निकला है, क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे घोड़ा मुंबई गया है, यहाँ पे घोड़ा मुंबई गया है, ठीक है। यहाँ पे घोड़ा 1400 मीटर भागा है क्लास 5 में और लेक्स लुथुर के साथ भागा है। लेक्स लुथुर उस दिन बहुत अच्छे फॉर्म में था, थोड़ा ध्यान भी रखना होता है यार कि कौन सा घोड़ा था कहाँ भागा था, तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान भी रखना होता है आप लोगों को। तो यहाँ पे 1400 मीटर में 5वां लगाया घोड़ा, यहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है। तो हर बारी घोड़े के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये देखना होगा आपको कि घोड़े के साथ क्या हो रहा है। तो 2 नंबर इस रेस में अगर हम कंसिडर करेंगे तो 2 नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई 2000 मीटर है, जा सकता है घोड़ा एक बार को। क्यों? क्योंकि 1600 के डिस्टेंस में, 1600 के डिस्टेंस में घोड़ा चौथा लगा हुआ है, तो 1600 भागा हुआ है 400 मीटर ऊपर जा सकता है घोड़ा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के घोड़े की। तो 3 नंबर है बटन वुड, ईश्वर सिंह बैठा हुआ है, 59.5 किलो में लास्ट रन दिया था घोड़े ने, तीसरा लगा था और ओरिजिनली थर्ड लिखा हुआ है इसमें आप अगर पढ़ेंगे, अवार्डेड दिस प्लेस बाय द स्टीवर्ड, थर्ड लगा था बट सेकेंड घोड़े को दे दिया गया क्योंकि विनर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और घोड़ा फ्रंट निकला था और दूसरा लग गया था घोड़ा। और उसके ऊपर के अगर आप रन देखेंगे घोड़ा क्लास 3 तक जा रखा है, घोड़ा क्लास 3 तक गया हुआ है और 5वां लगा हुआ है 1800 मीटर में, बट लेंथे बहुत ज़्यादा थी। ये डिस्टेंस होता है यार, डिस्टेंस में थोड़ा ध्यान रखना कि कितनी डिस्टेंस से घोड़ा पिटा हुआ है या कितनी डिस्टेंस से घोड़ा पीछे रह रखा है, तो ये चीज़ें बहुत पढ़ने वाली होती है। तो हाई ऑक्टेन के साथ घोड़ा लगा था, 5वां लगा था, तो आज क्लास 4 जा रहा है घोड़ा। और
2000 मीटर जा रहा है तो घोड़ा तीन नंबर बनता है। ग्रेट होप है, अब ये घोड़ा है ग्रेट होप, क्लास फोर फर्स्ट टाइम जा रहा है, और घोड़े का अगर आप रन देखेंगे एटर्नल प्रिंसेस के साथ 9वें से 13 नंबर रेस में छठा लगा था घोड़ा, घोड़ा 9वें पोजीशन में भागा है घोड़ा, ठीक है, बैंड तक 9वीं पोजीशन में था, उसके बाद घोड़ा आखिरी में जाके छठा लगा है, पोजीशन ये 6 नंबर पे लगा हुआ है। तो घोड़ा कहीं ना कहीं पे पीछे से आ रहा है, यहाँ पे भी 8वां लग के नीचे वाली रेस है, 24 नंबर रेस में अगर आप देखेंगे 7वां लगा हुआ है घोड़ा, 8वां निकला था HL राहुल के नीचे स्टार ज्वेल के साथ, घोड़ा 7वां लगा 8वां चल के, और 56 किलो से अब घोड़े का वेट कर दिया है 60 किलो, 4 किलो प्लस कर दिया है, और जॉकी एच राहुल से जो 2 बारी एच राहुल ने रन दिया है अब उसको हटा के इमरान खान बैठा दिया है, तो कहीं ना कहीं पे घोड़े पे अब जॉकी का बेनिफिट है कि भाई इमरान खान चला रहा है तो कहीं ना कहीं पे बेटर राइड करेगा, और इमरान खान का वेट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ये वेट है इमरान खान का ऑलरेडी वेट ही 56 किलो है, ठीक है, तो अब ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई एच एल राहुल कितने किलो का है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जॉकी के वेट का भी एडवांटेज होता है, अगर आप एच एल राहुल को देखोगे तो एच एल राहुल खुद 48.50 का था, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पे घोड़े को बहुत बेनिफिट है, तो 60 किलो का हो गया है, 60 किलो में घोड़ा जा रहा है, इमरान खान खुद 56 किलो का है, तो कहीं ना कहीं पे घोड़ा भी बनता है। फिर हम आ जाते हैं पाँच नंबर घोड़े पे पोएट गर्ल, ये भी घोड़ा यार एक और चीज़ देखने वाली होती है कि भाई घोड़े ना ये देखो ये स्टार ज्वेल के साथ ये भी भागा था और स्टार ज्वेल के साथ ये भी भागा हुआ है घोड़ा, तो एक घोड़े होते हैं ना ये 5वां लगा था ये 7वां लगा है घोड़ा, तो ये सारी चीज़ें ना देखने वाली होती है यार, ये कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे कर देते हैं, घोड़ा 4 नंबर लग रहा होता है 5 जीत जाता है, 5 लग रहा होता है 4 नंबर जीत जाता है, तो ये बहुत होता है रेसों में अक्सर देखा गया है। और वेट अगर हम देखें तो कोएट गर्ल का इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो इंसिडेंट लिखा हुआ है, तो ये इंसिडेंट हो रखा है घोड़े के साथ, इसमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत हुई थी, और जॉकी जनार्दन बैठा था, जनार्दन से धानु जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जॉकी इसमें भी बेटर जा रहा है, और ठीक है डिस्टेंस भी 8.25 लेंथ का था, तो इसमें कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा कि भाई क्या इंसिडेंट हुआ था घोड़े के साथ में, तो ये घोड़ा बनता है 5 नंबर। 6 नंबर है कॉन्स्पिरेसी HL राहुल बैठा है, अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली होती है, मैसूर में ये चीज़ें ना बहुत दिखती है यार, अब ये घोड़ा ना स्टील में भागा था लास्ट रन, ठीक है, सूज का बहुत फ़र्क होता है कि भाई स्टील में कहीं ना कहीं पे घोड़े का जो रन होता है थोड़ा स्लो होता है, एलमुनियम में फास्ट हो जाता है घोड़ा, तो ये घोड़ा बिल्कुल बनता है स्टील से एलमुनियम हो रहा है घोड़ा, 52 किलो से 58 किलो जा रहा है, मुकेश से राहुल बैठ गया है, तो कॉन्सिपरेंसी एक मतलब अपसेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। 7 नंबर रेजबक राठौर से राठौरी बैठा हुआ है, लास्ट टाइम वेट था 62 किलो अब जा रहा है 58 किलो, तो 4 किलो का एडवांटेज हो गया है, और अब भाव भी देखना जरूरी होता है यार, उस दिन 8 रुपये का तो कहीं ना कहीं पे प्लेस थी, इवन 1.5 रुपये प्लेस थी, तो प्लेस भी लग रही थी घोड़े की, तो इस बार कहीं ना कहीं पे बोर्ड के लिए प्लेस अपसेट आ सकती है घोड़े की, ठीक है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पर ब्रेक अवे, अब ये 1600 मीटर डिस्टेंस में भागा था जनार्दन के नीचे, अब इसमें अगर आप एक चीज़ देखेंगे 62 किलो में भागा था घोड़ा, आज 57 किलो जा रहा है और 3 किलो का अलाउंस लेके जा रहा है, तो अब घोड़ा कितने किलो में जा रहा है 54 किलो में, तो 8 किलो का घोड़े का एडवांटेज है, और जनार्दन से जॉकी बैठ गया अंगद 49 kg का है, तो कहीं ना कहीं पर घोड़ा बनता है और ये प्लेस ज़रूर आना चाहिए, जीत भी सकता है घोड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से यार थोड़ा एक हम मैंने रेस डिस्कस करी है आपसे, तो इस तरीके से घोड़े निकाले जाते हैं यार, होप आपको समझ आए, ना समझ आए तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है भाइयों, ऑल द बेस्ट यार, दूसरी वीडियो बनाएंगे जल्दी।